नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GS Spark में। दोस्तों मैं आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगी और बायोलॉजी के थ्योरी वीडियोस आपको डेली अपलोड की जा रही हैं शशि सर के द्वारा, और ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चंस। और अभी एग्जाम्स आपके काफ़ी करीब आ रहे हैं जिनमें बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। दोस्तों किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। दोस्तों इसका आंसर है आपका वायरस, इसका आंसर है आपका वायरस। दोस्तों वायरस की खोज आपकी 1892 में वॉन विस्की ने की थी। उस समय आपकी तंबाकू में मिजोक रोग की खोज हो रही थी, उसी वक्त आपकी वायरस की खोज हुई थी 1892 में। दोस्तों ये आपका जो वायरस है वो आपका सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। निर्जीव इस प्रकार है दोस्तों ये कि आप इसको सुखा कर कई वर्षों तक रख सकते हैं। यह कोशिका के रूप में भी नहीं पाया जाता है दोस्तों, और इसके क्रिस्टलीय रूप बनाकर आप बोतल में इसको कई सालों तक रखे जा सकते हैं। सजीव इस प्रकार है दोस्तों कि ये ब्लड में मिलकर जनन की क्रिया करता है। तो ये आपका निर्जीव सजीव दोनों के बीच की कड़ी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका कि निकट दृष्टि दोष रोग का संबंध किससे है। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है। निकट दृष्टि रोग का संबंध आपका आँख से है दोस्तों। इसमें आपका 2 मीटर 6.6 फिट इसके बीच तक की यही मतलब जो डिस्टेंस होगी इसी को देख पाएंगे। इसके बाद की डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगी। पास का तो दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा दोस्तों। तो ये आपका हुआ निकट दृष्टि रोग, किससे संबंध होगा आपका आँख से संबंधित होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है। प्लाज्मा में आपका जल का परसेंट तो होता है 90%, पर प्लाज्मा में 90% के बाद आपका 7% प्रोटीन होता है और 0.9% आपका लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका कि कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों कार्यशील महिला वर्किंग वूमेन जो आपकी होती हैं उनको 45 ग्राम्स प्रोटीन लेनी चाहिए पर डे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव है जो अपनी स्किन से सांस लेता है, तो आपका वह आपका है मेंढक। दोस्तों कौन सा जीव है जो आपकी त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस आपका लेता है मेंढक। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में और, कि ये तो हो गया आपका स्किन से सांस लेता है मेंढक, लेकिन जो दोस्तों ट्रेडपोल होते हैं दोस्तों, जो बहुत छोटे होते हैं मेंढक, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो सिर्फ उस समय पानी में रहते हैं, उनको लार्वा भी बोलते हैं दोस्तों। ये आपके सांस लेंगे गिल्स से। ट्रेडपोल जो होंगे दोस्तों वो आपकी सांस लेंगे गिल्स से। उसके बाद जो वयस्क होते हैं वो फेफड़े से लेते हैं, और सुसुक अवस्था वाले त्वचा से। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके, ये पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक आपका रक्त है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में लिखती हुई यहाँ नीचे लिख देती हूँ आपकी, कि ब्लड जो आपका है दोस्तों, तो ब्लड में आपका 60% तो प्लाज्मा होता है, 60% प्लाज्मा, और 40% होता है आपका ब्लड कार्पस सेल। दोस्तों 60% है प्लाज्मा और 40% है आपका ब्लड कार्पस सेल। सिक्सटी परसेंट प्लाज्मा है दोस्तों और 40% है आपका ब्लड कार्पस। तो अभी मैंने 60% प्लाज्मा में अभी आपको बताया था कि इसमें 90% जल होता है और 7% आपका प्रोटीन होगा, 0.9% लवण होंगे और 0.1% ग्लूकोज होगा। अब जो आपका ये 40% ब्लड कार्पस है इसमें आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स ही आती हैं दोस्तों। इसमें होगा आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? बोन मैरो दोस्तों इसका आंसर है आपका, बोन मैरो, या हिंदी में आप इसको दीर्घ अस्थि भी बोलते हैं। इसका नाम हिंदी में दीर्घ अस्थि है और इंग्लिश में इसको बोन मैरो बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ऐसे पौधे जो नमक युक्त स्थान पर उगते हैं, ऐसे पौधे जो नमक के युक्त स्थान पर उगते हैं, तो हेलोफाइट इसका आंसर है दोस्तों। और ऐसे मतलब पौधे हैं जो नमक युक्त, मतलब समुद्र के किनारे जहाँ पर काफ़ी नमक की मात्रा होती है वहाँ पर ऐसे पौधे उगते हैं, तो उसी का एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेटेड। इसका आंसर तो आपका है हेलो हेलो फाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो दोस्तों इसमें पानी आपका जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, पानी भी दोस्तों और खनिज भी दोनों आपके जाइलम टिश्यू द्वारा ऊपर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जाइलम टिश्यू द्वारा आपके ऊपर जाएंगे, यहाँ जगह तो नहीं है, फ्लोएम टिश्यू एक दोस्तों आपका होता है, फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू होता है दोस्तों। प्रॉपरली मार्कर सही चल नहीं रहा है, स्याही छोड़ रही है तो इसलिए लिख नहीं रही हूँ, बोल देती हूँ कि फ्लोएम टिश्यू होगा जो आपका जाइलम टिश्यू से तो आपका नीचे से ऊपर पानी और खनिज जाएगा, और फ्लोएम टिश्यू होगा उससे आपका ऊपर से नीचे खाना आएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है। वैसे ये 10 क्वेश्चंस थे, जिस क्वेश्चन में आपका आंसर में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, जो से रिलेटेड और क्वेश्चंस बन सकते थे तो वो मैंने आपको बताए हैं, बाकी जो सीधे डायरेक्ट आंसर देने वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बताए। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बायो की नई वीडियो आज से स्टार्ट की जा रही है आपके लिए ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें व्यूज़ दीजिए, अगर चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करिए जिससे हम आपको अगली वीडियो और लाएं और क्वेश्चंस आपके ऐड किए जाएं। अभी तो थ्योरी आपको प्रोवाइड कराई ही जा रही है बायोलॉजी की, मैं और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन इस वीडियो का जो रिजल्ट होगा उसी के आगे आप काम किया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।